अध्यात्म में तमाम भ्रामक चीज़ें लोग पाल लेते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार का एक साइकेडेलिक जो प्रेजेंटेशन है वो, तमाम ऐसी बातें, ऐसा होता है वैसा होता है। इसी तरह से एक अवस्था का नाम मैंने दिया है चमकू अवस्था, बोध की जैसे कोई परम अवस्था होती है वैसे चमकू अवस्था। अब चमकू अवस्था क्या होती है, लोग कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है तो तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश पैदा होता है जैसे सैकड़ों सूरज, हजारों सूरज उगाए हों। हजारों की बात करते, सैकड़ों की तो करते नहीं, 10-20 की तो बिसाथी क्या है, हजारों सूरज एक साथ चमक गए हों। अब जो साधक है बड़ा खुश होता है। ये अवस्था, इसका नाम नहीं दिया उन्होंने, उसको बोध वगैरह कहते हैं, मैं कहूँगा उससे हटाकर इसको चमकू अवस्था कह दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना चमक गए आप, हजार सूरज सैकड़ों सूरज, और कभी ये नहीं सोचते एक सूरज के साथ भी तो पूरा आमना सामना करना संभव नहीं है। एक सूरज भी थोड़ा ज़्यादा चमक जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हम अंधे हो जाएंगे अगर एक बार आँख से आँख मिलाकर सूरज को देख लें उसकी चमक को। लेकिन हम ऐसी चमकू अवस्था में जाना चाहते हैं जहाँ पर हजारों सूरज सैकड़ों सूरज एक साथ उगाएं, और साथ लंबे समय से ऐसे वर्णन भी मिलते हैं, ऐसी पुस्तकें भी हैं, ऐसे बताने वाले लोग भी, मैं ऐसे प्रवेश किया कि जैसे इतने इतने सूरज चमक रहे हों और उनका आमना सामना हो रहा था, वो अंधे भी नहीं हो रहे थे, देख भी पा रहे थे। फिर उसमें वो ये भी ऐड कर लेंगे, नहीं सैकड़ों हजारों सूरज तो थे लेकिन उनकी चमक आँखों को नष्ट करने वाले थे, सब साफ साफ दिख रहा था। अब साफ साफ देखने के लिए तो एक सूरज काफ़ी है, उसके लिए तुमको सैकड़ों या हजारों सूरज क्यों चाहिए। नहीं, लेकिन हमको तो काम ही नहीं चलता कम में। ये स्पिरिचुअल ग्रीड हैं, और उस ग्रीड से पैदा किए गए अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं, तुमको पता ही नहीं तुम आके क्लेम कर सकते हो। जैसे कहीं किसी मजहब में बात आ गई, तुम ऐसे शहीद हो गए तो तुमको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। अब 72 मिलेंगे, 73 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, इसकी गिनती कौन कर, मरने के बाद कौन गिनती कर रहा है। लेकिन नहीं, कोई आके कहेगा नहीं नहीं हमको मिली थी या फलां को मिली थी। अब वो जा रहा है कॉन्सेप्ट पे कि भाई हम जिहाद करेंगे, 72 हूर पालेंगे, किसी के स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएंगे, किसी के कुछ। अब सब कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की तरह ये हजारों सैकड़ों सूरज वाली बातें हैं, इसी कॉन्सेप्ट की तरह निर्विचार वाली बातें, इसी कॉन्सेप्ट की तरह आत्म साक्षात्कार में किसी अलौकिक घटना के घट जाने की बातें हैं, सब 72 होर और अप्सराओं वाली श्रेणी की ही बातें हैं। एक कल्पना जगत, एक ऐसा लुभावना आकर्षक जगत जो होता ही नहीं और उस पर ही सब चले जा रहे हैं। कभी कभी सोचने की जरूरत यह पड़ती है अध्यात्म में हम करने क्या जा रहे हैं। हम वास्तविकता की तलाश में हैं, देखिए एक मोटी बात कहते हैं, हम सत्य की तलाश में। सत्य क्या है, सत्य सत्य ये है, ये सब कपोल कल्पनाएं सत्य है। सत्य तो जो वास्तविक है उसको खोजना, उसकी तरफ जाना, तो इन चमकू अवस्थाओं में ना पड़े, वर्तमान में जिए, शांति से जिए, प्रेम से जिए, और सर्वोपरि आध्यात्मिक स्थिति है जिए और जीने दें। इससे बड़ी कोई आध्यात्मिक स्थिति नहीं, जिए शांति से और दूसरों को भी शांति से जीने दें, प्रेम से जिए दूसरों को भी प्रेम से जीने दें, प्रसन्नता से खुद जिए और दूसरों को प्रसन्नता से जीने दें। बस यही आध्यात्मिक स्थिति है, बाकी सब किसी न किसी प्रकार की चमकू अवस्थाएँ हैं, उनकी तलाश में ना निकलें।